से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजवाड़ा पर जमा हुए बीजेपी महापौर और पार्षद प्रत्याशी, बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद हैं। सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का इंतजार कर रहे हैं। दोनों नेताओं के साथ कलेक्टर कार्यालय जाएंगे। महापौर और पार्षद प्रत्याशी कलेक्टर कार्यालय में भरेंगे नामांकन पत्र। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां पर राजवाड़ा पर जमा हुए बीजेपी महापौर और पार्षद प्रत्याशी सीएम शिवराज सिंह और वीडी शर्मा का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और सभी लोग कलेक्टर कार्यालय जाएंगे और नामांकन भरेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इंदौर से संवाददाता महेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि महेश, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है राजवाड़ा में। देखिए, इस वक्त राजवाड़े पे एक बहुत बहुत बड़ा एक जमावड़ा है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 85 पार्षदों को टिकट दिया और महापौर प्रत्याशी को टिकट दिया, उनके समर्थक अलग अलग इलाकों से यहाँ पे पहुंच रहे हैं ढोल ढाके के साथ में। यहाँ से सभी गैदर होकर एक साथ यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ कुछ समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहुंचने वाले, जो राजवाड़ा चौक पर स्थित माँ अहिल्या का पूजा अर्चन करेंगे। पूजन अर्चन करने के बाद में यहाँ से कलेक्टर कार्यालय, जो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, रैली के रूप में विशाल नामांकन रैली, इसे नाम दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एक विशाल रैली के रूप में यहाँ से कलेक्ट्रेट ऑफिस जाएंगे राजवाड़े से, जहाँ पे जाके प्रत्याशियों का नामांकन भराया जाएगा। इस वक्त जो राजवाड़े का माहौल है, मैं बताऊँ, लगभग 2000 से ज्यादा की तादाद में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता पहुंच चुके हैं और अलग अलग इलाकों से शहर के अभी भी कार्यकर्ता और नेताओं का आना बाकी है। लोग अलग अलग इलाकों से आ रहे हैं और चारों ओर यहाँ पे भगवे झंडे नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आ रहे हैं। तो एक बड़े बड़े रैली के रूप में, एक बड़े आयोजन के रूप में यहाँ से सभी लोग कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा की मौजूदगी में नामांकन फॉर्म भरा जाएगा। जी जी महेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए।